क्यों पे हीरो? आज तो क्लास में तू रॉकेट की तरह एकदम फुस हो गया ना। हाँ यार डब्बू, क्या हुआ तुझे? अच्छा छोड़, चल जाते यार। मुझे तो इन दोनों पर ही शक है, अभी जाके इन खबर लेता हूँ। नहीं नहीं, वेट वेट, रिलैक्स रिलैक्स, अभी प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट मत कर। अभी ये सोच कि आईडी कार्ड वापस कैसे लाएंगे। डब्बू मुझे तो लगता है तुझे जेठा अंकल को लेकर आना ही पड़ेगा। हाँ यार, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं अभी दुकान जाकर पापा को लेकर आता हूँ। पापा, बब्बू कॉलेज के टाइम पे तो यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ? तो चुप क्यों है? क्या हुआ टप्पू? पापा वो कॉलेज में थोड़ी गड़बड़ हो गई। थोड़ी गड़बड़? नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं मान सकता। तुझसे कभी गड़बड़ थोड़ी नहीं हो सकती। तेरा जन्म बड़ी बड़ी गड़बड़ करने के लिए हुआ है बेटा। क्या किया तूने? कॉलेज में प्रोफेसर मैडम ने मेरा आई कार्ड ले लिया और कहा कि जब तक मैं अपने पापा को नहीं लेकर आता तब तक मुझे आई कार्ड नहीं मिलेगा। तूने ऐसा क्या किया कि तेरा आई कार्ड प्रोफेसर मैडम ने ले लिया? पापा मैंने कुछ नहीं किया है, किसी और ने चालू लेक्चर में प्रोफेसर मैडम पर कागज का रॉकेट बनाकर फेंका और मैडम को लगा कि रॉकेट मैंने फेंका है और मैडम ने मेरा आई कार्ड ले लिया और कहा कि जब तक मैं अपने पापा को नहीं लेकर आता तब तक मुझे आई कार्ड नहीं मिलेगा। पप्पू तुझे प्रोफेसर मैडम के ऊपर रॉकेट फेंकते हुए शर्म नहीं आई? पापा सच में मैंने कुछ नहीं किया है, किसी और ने फेंका है, मेरा नाम आ गया है। चुप रह, तेरी प्रोफेसर मैडम से ज्यादा मैं तुझे जानता हूँ। रॉकेट तो नहीं फेंका होगा, पकड़ा गया तो अभी झूठ बोल रहा है। नहीं पापा, मैंने तुझे बोला था ना कि कॉलेज से तेरी कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, वरना तेरा सब खर्चा पानी बंद कर दूंगा। खत्म, तेरा अभी सब खर्चा पानी बंद। पापा किसे फोन कर रहे हो? पापा सॉरी पापा, पापा सच में मैंने नहीं किया। नता सर, आप अभी कभी यहाँ मेरे गोडाउन में आ जाइए प्लीज। अरे मत पूछिए क्या हुआ, ये टप्पू ने कॉलेज में कुछ हंगामा कर दिया, आप प्लीज अभी कभी गोडाउन आइए प्लीज। चुप रहे, कुछ सुनना नहीं है मुझे। जेठालाल क्या हुआ, क्यों बुलाया, क्या किया टप्पू ने? अरे ये भाई साहब ने चालू क्लास में प्रोफेसर मैडम के ऊपर कागज का रॉकेट बना के फेंका। वेरी बैड टप्पू, वेरी बैड। ये उम्मीद नहीं है तुमसे, तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा जाता है टप्पू। ये गलती नहीं है जो तुमने किया, वो अपराध है। मैडम पे कैसे फेंक सकते हो ऐसे रॉकेट? दिस इज वेरी बैड टप्पू। आप लोगों को कॉलेज में हुड़दंग करने के लिए नहीं भेजा जाता है टप्पू। अब ये प्रोफेसर मैडम ने मुझे कॉलेज में बुलाया है तो आप भी मेरे साथ चलिए, एक लेटर लिख के दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। बोल देते कॉलेज में कि इसकी पढ़ाई बढ़ाई बंद, हमें इसको आगे नहीं पढ़ाना है, इसको अभी मैं धंधे में बिठा देता हूँ। चलो हाँ चलो। नहीं पापा, नहीं पापा प्लीज। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना है। नहीं 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 प्लीज, नहीं नहीं। क्या हुआ टप्पू? क्या लेकर आ पापा को? नहीं नहीं गोली, नहीं पापा नहीं। मैं मैम को बोल दूंगा कि पापा आउट ऑफ स्टेशन गए। तो आईडी कार्ड कैसे वापस मिलेगा? मम्मी, मैं मम्मी को लेकर आऊंगा। नहीं नहीं मम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सच में। तो क्या तुम्हारे शिक्षक झूठ बोल रहे हैं? पता नहीं मम्मी, लेकिन प्लीज ये बात पापा को मत बताना। मम्मी प्लीज तुम बस मेरे साथ फटाफट कॉलेज चलो, बाकी का सब मैं संभालूंगा। नहीं नहीं दीका, तुम्हारे पापा से इतना बड़ा झूठ बोलकर मैं तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं आ सकूंगी, मुझसे नहीं होगा बेटा। और टप्पू तूने सुबह ही पापा को, बापू जी को, मुझे, हम सबको वादा किया था ना कि तुम कॉलेज में बिल्कुल शरारत नहीं करोगे, तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आएगी, है ना? तो आज ही तुम्हारी शिकायत आ गई बेटा। मम्मी सॉरी, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मम्मी प्लीज तुम मेरे साथ कॉलेज चलो ना। मम्मी प्लीज, पापा को नहीं पता चलेगा पक्का। नहीं नहीं दीका, तुम्हारे पापा को बताए बगैर मैं तुम्हारे कॉलेज आऊंगी ना तो वो मुझे डांटेंगे और हमेशा की तरह कहेंगे कि मैं ही तुम्हें शरारती बना रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे पापा से झूठ नहीं बोल सकूंगी, मैं तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं आऊंगी बेटा। टप्पू क्या हुआ, क्या सोच रहा है? मम्मी को तो लेकर आ। नहीं गोली नहीं, मैं मम्मी को भी लेकर नहीं आ सकता। तो आई कार्ड? दादाजी, मैं दादाजी को लेकर आऊंगा। लेकिन टप्पू दादाजी मानेंगे? हाँ पिंकू, दादाजी मुझे कभी ना नहीं कहेंगे। टप्पू टप्पू तूने तो मेरी दांत कटवा दी। दादाजी सच में इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ बराबर, तेरी कोई गलती नहीं, गलती तो सब मेरी है ना। और जेठिया भी यही कहेगा कि मैंने तुझे सर पे चढ़ा के रखा है,
अब जिठिया तुझे डांटे तो मुझे मत बोलना, मैं बीच में नहीं आऊंगा। हम तुझे कॉलेज पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, प्रोफेसर पे रॉकेट फेंकने के लिए नहीं। टप्पूड़ा, प्रोफेसर गुरु समान होते हैं, गुरु की हम पूजा करते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन दादाजी मेरी पूरी बात तो सुनिए। आज सुबह ही तूने वादा किया था ना कि तू कोई शरारत नहीं करेगा, कॉलेज से तेरी कोई शिकायत नहीं आएगी। आज ही वादा तोड़ दिया। शरारत करने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा कि जब मुझे पता चलेगा तो मुझे कितना दुख होगा। लेकिन बस अब मैं ना ही तेरी बातों में आऊंगा और ना ही कॉलेज आऊंगा। टप्पू क्या हुआ, दादाजी को लेकर आ कॉलेज? नहीं यार गोली, नहीं यार। क्या हुआ टप्पू, क्या हुआ?